35वां सालाना गुरमत समागम 1-2-3 अक्टूबर से ऐतिहासिक गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 35वां गुरमत सालाना समागम संत बाबा साधु सिंह मोनू जी व संत बाबा निरंजन सिंह जी की याद में गुरमत समागम 1 अक्टूबर से आरंभ होगा, 3 अक्टूबर तक चलेगा। प्रेस से वार्ता करते हुए मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन में कथा एवं कीर्तन दरबार में बाहर से आई राखी जन साधु संत व सिंह साहब संगत को निहाल करेंगे। 1 अक्टूबर की शाम को पहले दिन कवि दरबार का आयोजन होगा। 2 अक्टूबर को 2 दीवान आयोजित किए जाएंगे, पहला सुबह 9 बजे एवं दूसरा साय 7 बजे रात्रि 12 बजे तक। 3 अक्टूबर को कीर्तन दरबार सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से अमृत संचार हो समूह सेवक जत्था गुरु का ताल दलजी सिंह सेतिया उपेंद्र सिंह लवली चौधरी मनजीत सिंह ग्रोवर बंटी सिंह राजदीप सिंह सरदार कवलदीप सिंह पाली सेठी। अभी न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। आज की जो प्रेस वार्ता है पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल आगरा में इस स्थान के संस्थापक संत बाबा साधु सिंह मोनी जी बाबा निरंजन सिंह जी जिनकी सालाना याद में ये 35वां गुरमत समागम है। उनकी याद में हर साल ये गुरमत समागम मनाया जाता है जिसमें देश विदेश से गुरु नानक नाम लेवा समूह साध संगत आ करके इस पावन पवित्र स्थान पर मत्था टेकते हैं और बाहर से संत महात्मा सिंह साहिबान और हमारे जो खालसा के दल पंथ हैं वो भी यहाँ इस स्थान पर आके हाजिरी भरते हैं इस महान समागम में। वैसे तो 12 महीने 24 दिन यहाँ संगत आती रहती है, 24 घंटे लंगर चलता रहता है, फिर भी इस स्थान पर ये 1-2-3 अक्टूबर का विशेष समागम होता है और इसमें इलाही वाणी का कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी का और गुरमत विचारा विद्वान पुरुष आकर के हाजिरी भरते हैं और समूह साध संगत को इलाही वाणी का कीर्तन श्रवण करा के और गुरमत विचार सुना के गुरु के शब्द के साथ में जोड़ने का ये एक उपराला है। इसमें अमृत संचार भी किया जाता है, जो अमृत अभिलाखी हैं उनको अमृत संचार किया जाता है, अमृत सिखाया जाता है। इसका मंतव्य यही है कि महाराज की वाणी के साथ ये जोड़ना और सेवा और सिमरन के साथ में जोड़ना है संगत को ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है समय है हमारे जो बच्चे हैं वो धर्म के मार्ग के ऊपर चलें ताकि सेवा करें हमारे देश की अपनी कौम की हमारे समाज की। ये इसी का उद्देश्य है महाराज की वाणी के साथ में जोड़ना है और धर्म के साथ में आने वाले बच्चों को पीढ़ी को सबको जोड़ना है, ये इसका मतलब होता है। सालाना गुरमत समागम जिस तरीके से आपको पता है कि संत बाबा साधु सिंह जी की मोनी साहब जी की याद में 1-2-3 अक्टूबर को हमेशा फिक्स इनकी डेट है और इस प्रोग्राम में आगरा की नहीं देश विदेशों से काफ़ी संगत आती है, हजारों की संख्या में संगत आती है क्योंकि इस गुरमत समागम में श्री अकाल तख्त साहब से सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, पटना साहब के सिंह साहब जी, सिंह साहब जी श्री के शीशगंज साहब तो सभी सिंह साहब और पंथ प्रसिद्ध जो रागी जत्थे हैं वो सभी गुरु दरबार में आके संगत को कथा कीर्तन से जोड़ते हैं और हजारों की संख्या में इस प्रोग्राम में संगत भाग लेती है और गुरु महाराज की गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पावन पवित्र चरणों में आके अपने आप को धन्य मानती है। क्या इंतजाम किए जाते हैं, कहाँ संगतें आती हैं? संगत तो जी शाहजहानपुर बंडा पीलीभीत सितारगंज पंजाब हरियाणा हिमाचल काफ़ी दूर दूर से आती हैं जिसमें के लगभग जो लंगर बरताने की सेवा है सितारगंज से भाई मंच सेवा सोसाइटी है वो सारा लंगर उस दिन संभालने का प्रबंध करती हैं और बाकी पंजाब से जो स्पेशली हलवाई 15-20 लोग आते हैं वो सारा ही लंगर का प्रबंध संभालते हैं। जो अभी भी 3 दिन पहले जो हलवाई लग जाते हैं जिस तरीके से संगत के लिए कि जो भी मिष्ठान प्रसाद होता है उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। बाकी गुरुद्वारा गुरु का ताल के जो 500 लगभग सेवादारों का स्टाफ है वो भी सारा रहता है मगर इस प्रोग्राम में बाहर से भी लगभग 600-700 लोग मेंबर सेवा करने के लिए बाहर से बुलाए जाते हैं। देखिए 35वां समागम हो रहा है गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा में। जो हमारे बड़े संत थे मोनी जी उसके बाद संत निरंजन सिंह जी की मीठी याद है। ये एक किस्म से जो हमारा गुरुद्वारा साहिब है वो सर्व धर्म का जो हम कहते हैं वो प्रतीक है। यहाँ पे हर धर्म का लोग आते हैं
इसके उपलक्ष्य में जो मीठी याद में संतों की हम लोग एक समागम कर रहे हैं, जिसमें एक तारीख को कवि दरबार है जो ऊपर होगा, दो तारीख को और तीन तारीख को नीचे सामने मंजी साहब जो हमारा ये है गुरुद्वारा साहब का हॉल, उसमें प्रोग्राम किया जाएगा। जो सब जितने बड़े रागी सिंह बाहर से आ रहे हैं, प्लस जो हमारे अच्छे कीर्तनीय हैं और जो हमारे साथ के लोग हैं, जिन्होंने जो कि हमारे को इस धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ और कैसे शिक्षा दी जानी है, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या गलत है वो बताने के लिए सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन आगरा के जितने भी हमारे लोग हैं कि आप ज़रूर आएँ, 24 घंटे लंगर की व्यवस्था है और ये समझें कि गुरु क्या कहते हैं हमारे, तो इसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH9।